Hello friends, today we will discuss Mundell-Fleming model of macroeconomics. So let's get started. Firstly, what is Mundell-Fleming model? हमें ये पता होना चाहिए ये होता क्या है. So I hope आपने ISLM की आप लोगों को information है कि ISLM क्या होता है. तो उसी का एक extension है Mundell-Fleming model. इसको हम ISLM और BOPM की बैलेंस ऑफ पेमेंट मॉडल भी कहते हैं और ISLM BP मॉडल भी कहा जाता है. ये जैसे नाम से पता चल रहा है मुंडल और फ्लेमिंग दो इकोनॉमिस्ट थे, रॉबर्ट मुंडल एंड मार्कस फ्लेमिंग. इन दोनों ने बनाया ये मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, इनके नाम के ऊपर बना है. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ISLM मॉडल. ISLM मॉडल हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. ISLM हमें इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग का रिलेशनशिप बताता है और LM हमें मॉनेटरी सप्लाई, लिक्विडिटी और मनी सप्लाई से रिलेटेड रिलेशनशिप बताता है. और ISLM क्या डिटरमाइन करते हैं? इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट. तो जो ट्रेडिशनल ISLM मॉडल है वो डील करता था हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी में, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतने नहीं होते थे, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था. लेकिन मुंडल फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया उसका इफेक्ट स्मॉल ओपन इकोनॉमी में. ISLM में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था लेकिन फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी रोल नहीं होता था, तो इसलिए हम उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते थे. लेकिन मुंडल फ्लेमिंग ने ISLM में BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी इंक्लूड कर दिया. तो ये ISLM का एक्सटेंशन बन गया जो ISLM और BOP के बीच में कनेक्शन दिखाता है. नाउ मूविंग ऑन, ISLM शोज रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट. ये हम सबको पता है कि ISLM क्या दिखाता है. ISLM का इंटरसेक्शन हमें इंटरेस्ट रेट दिखाता है ऑन द वाई एक्सिस एंड आउटपुट दिखाता है या एम्प्लॉयमेंट या नेशनल इनकम ऑन द एक्स एक्सिस. तो वहीं पे मुंडल फ्लेमिंग मॉडल शो करता है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बिटवीन एन इकोनॉमीज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट. यानी कि इंटरेस्ट रेट और आउटपुट तो ISLM ही दिखाते थे, मुंडल फ्लेमिंग में एडिशनल क्या हुआ है वो बता रहा है. एक्सचेंज रेट को उन्होंने एक्सप्लेन किया फर्दर कि इंटरेस्ट चेंज होने से या कोई भी पॉलिसी चेंज होने से एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है. Now, this model is used to show that an economy cannot maintain a fixed exchange rate system, free capital mobility and an independent monetary policy simultaneously. ये model हमें help करता है ये चीज़ बताने में कि कोई भी country एक साथ ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकती, कि वो fixed exchange rate system ले रही हैं, एडॉप्ट कर रखा उन्होंने, फ्री कैपिटल मोबिलिटी है यानी कि कैपिटल मोबिलिटी का मतलब हम फ्रीली इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन करेंसी कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं मनी को, कुछ भी खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, एंड एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारे पास है. ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक कंट्री नहीं अचीव कर पाती. इनमें से एटलीस्ट मैक्सिमम टू अटेन होती है कि एक कंट्री अगर उसके पास फ्री कैपिटल मोबिलिटी है और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसके पास थर्ड ऑप्शन है कि वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेंटेन कर सकती है लेकिन फिक्स नहीं कर सकती. सिमिलरली अगर कोई कंट्री फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो कर रही है और वहाँ पे फ्री कैपिटल मोबिलिटी है तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होगी, वहाँ पे फिस्कल पॉलिसी होगी. तो दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉट अचीविंग ऑल थ्री एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली, इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी. यानी कि ये तीन चीज़ें जो कि इम्पॉसिबल है मीट करना, कि तीनों हमारे पास हो, कि हमारे पास फिक्स एक्सचेंज रेट भी हो, हमारी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी हो और फ्री कैपिटल मोबिलिटी भी हो. तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है बेसिक, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कौन सी तीन एलिमेंट्स इसके अंदर हैं. सबसे पहले फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में से एक चीज होगी तो फिक्स एक्सचेंज रेट है, फ्री कैपिटल मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी. अगर मॉनेटरी पॉलिसी को हम लीव करते तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी हो सकती है आपके पास, लेकिन ये तीनों साथ में नहीं होंगे.
नाउ मूविंग ऑन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मैं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के ऊपर बताना चाहती हूँ. फर्स्ट वन वही जो बेसिक है, ISLM का एक्सटेंशन है और ये ISLM के ऊपर ही बना हुआ, उसी के जैसा ही है, जो इंटरसेक्शन दिखाता है गुड्स मार्केट और मनी मार्केट. जो IS होता है कर्व, वो हमें गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम दिखाता है, इंटरेस्ट रेट और आउटपुट का रिलेशनशिप. और LM कर्व हमें दिखाता है मनी मार्केट का, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट इन द मनी मार्केट, वो हमें LM दिखाता है और IS दिखाता है गुड्स मार्केट को. दिस मॉडल कंसीडर्स दैट डोमेस्टिक कंट्री इज ओपन टू ट्रेड बट हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड मार्केट एज इट इज स्मॉल कंपेयर टू द वर्ल्ड. मुंडल फ्लेमिंग मॉडल ने क्लोज्ड इकोनॉमी को, पहले ISLM में हम क्लोज मानते थे कि उसमें कोई इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे वो नहीं हो रहा, तो उसने इस अजम्पशन को तोड़ा कि उसने क्लोज्ड की जगह ओपन लाया. बट कुछ मेजर अजम्पशंस है फ्लेमिंग मॉडल की, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल की, वो ये है कि वो एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी कंट्री है वो स्मॉल है. स्मॉल का मतलब कि इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारी कंट्री का इंटरेस्ट रेट या हमारी कंट्री की कोई भी पॉलिसी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, मान लो वर्ल्ड में 100% ट्रेड होता है, तो हमारी स्मॉल कंट्री का मतलब ऐसा है कि हम पार्टिसिपेंट है 5% के ऑफ द ट्रेड या 10%. तो अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट के कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उसका वर्ल्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. हम ये कहते हैं ना, US की इकोनॉमी का पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है. क्यों पड़ता है? क्योंकि वो लार्ज है, इसलिए पड़ता है. स्मॉल कंट्रीज आ गई जिनका नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होता है और वो किसी भी पूरे वर्ल्ड पे उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता. नाउ देयर इज परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी. ये ऐसे वर्ड हैं जो इस मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में यूज हुए हैं, तो मैंने उनको पहले कंसीडर किया कि आपको इन बेसिक टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए. सबसे पहले मुंडल फ्लेमिंग ने कहा है कि ये गुड्स मार्केट मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम तो दिखाता ही है, प्लस इन्होंने एक्सचेंज रेट को भी कंसीडर किया. सेकेंड पॉइंट, इन्होंने कहा कि हम ओपन टू ट्रेड हैं, यानी कि ओपन इकोनॉमी है, लेकिन हमारी कंट्री स्मॉल है. सेकेंड अजम्पशन. थर्ड, देयर इज परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी. इसका मतलब मनी कैन बी बोरोड और लेंड फ्रीली इन द इंटरनेशनल मार्केट एट द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, जो कि इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड में चल रहा है, उस इंटरेस्ट रेट पे हम मनी को बोरो भी कर सकते हैं और लेंड भी कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है. और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कौन डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए. नाउ बेसिक अजम्पशन इसकी ये है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, इन्होंने ये अज्यूम किया है कि वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के इक्वल है इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी. इफ देयर इज एनी चेंज इन द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट में कुछ भी चेंज होता है, तो वो एडजस्ट हो जाएगी बाय द फ्लो, बाय द इनफ्लो और आउटफ्लो फाइनेंशियल कैपिटल टू स्टे इक्वल टू द वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. यस, तो अगर कोई भी डेविएशन होती है हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट पे, तो वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के इक्वल हो जाएगी. कैसे? बाय द इनफ्लो या आउटफ्लो फाइनेंशियल कैपिटल. नाउ इसमें मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में दो अकाउंट डिस्कस हुए हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. तो इनमें क्या आता है, करंट अकाउंट इंक्लूड करता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स. अगर हम कोई भी गुड फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ट्रांसफर पेमेंट दे रहे हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री को डोनेशन दे रही है एंड सो ऑन, तो ये हमारी सारी ट्रांजेक्शन आती है करंट अकाउंट में. ऑन दी अदर हैंड, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल दैट अफेक्ट द नेशंस के फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटीज को जो अफेक्ट करता है, वो आते हैं हमारी कैपिटल अकाउंट में. मतलब हमने फॉरेन कंट्री में कोई एसेट खरीद लिया या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गए, तो ये वाली सारी जो मेजर आइटम्स होती हैं, ये हमारी आती है कैपिटल अकाउंट में. नाउ दो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो डिटरमाइन करती है बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि हमारा एक्सचेंज रेट मीन्स $1 80 रुपीज के इक्वल होगा
या $1.70 के इक्वल होगा। तो ये गवर्नमेंट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट होता है, ये होता है फिक्स। अब ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिक्स एक्सचेंज रेट रखती है या फ्लेक्सिबल रखती है। फिक्स रखेगी तो मतलब गवर्नमेंट की सेट की हुई इंटरेस्ट रेट है ये, सॉरी एक्सचेंज रेट है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स एक्सचेंज रेट में हम कहते हैं ना करेंसी एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन होता है, क्योंकि एक कंट्री या तो अपनी करेंसी की वैल्यू गिराती है या बढ़ाती है, वो गवर्नमेंट खुद कर रही है। तो वो अपनी करेंसी की वैल्यू को या वो रीवैल्यू कर रही है या वो डीवैल्यू कर रही है। ये रीवैल्यू मतलब बढ़ाना, डीवैल्यू मतलब कम करना। और जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई से, करेंसी की कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है। तो इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन होना, डेप्रिसिएशन होना। एप्रिसिएशन मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। ये कब बढ़ती है? जब हमारी करेंसी की डिमांड ज्यादा है मार्केट में। ऑन दी अदर हैंड अगर डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड कम है तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब डेप्रिशिएट हो जाती है। ये होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। सो अंडर अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम देयर इज रीवैल्यूएशन, मतलब वैल्यू गवर्नमेंट खुद बढ़ा देती है कि जैसे $1 पहले 80 था तो हमने कर दिया $1 इज इक्वल टू ₹70 ओनली, हमने वैल्यू बढ़ा दी उसकी, रीवैल्यू कर दी। और डीवैल्यूएशन का मतलब वैल्यू घटा देना, पहले था $1 इज इक्वल टू ₹80, अब हमने कर दिया $1 इज इक्वल टू ₹100, हमने अपनी करेंसी की वैल्यू खुद ही कम कर दी। While in the case of flexible exchange rate, currency या तो appreciate होती है या depreciate होती है, वो depend करता है किस currency की demand ज्यादा है, किसकी supply ज्यादा है and so on। So Mundell Fleming के मैंने आपको important points बता दिए। ये ISLM का extension है, ये assume करता है कि हमारी जो country है वो open economy है लेकिन small in size है, small as compared to the world। Third one perfect capital mobility है। फोर्थ इंटरेस्ट रेट हम डिटरमाइन करते हैं, मानते हैं, ज़ूम करते हैं कि वो वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट के इक्वल है। अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आती है तो हम इनफ्लो या आउटफ्लो करके उसको इक्वल कर लेते हैं। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट होता है जो ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या ट्रांसफर पेमेंट्स। और कैपिटल अकाउंट होता है जो एसेट, कंट्री की एसेट और लाइबिलिटीज पे इफेक्ट करता है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि हमेशा कैपिटल अकाउंट का जो वेटेज होता है वो करंट से ज्यादा होता है। अगर किसी कंट्री में करंट अकाउंट सरप्लस में है और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में है तो हम ये मानेंगे कि पूरी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मीन्स ज्यादा वेट रखता है। और फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल मैंने आपको बता दिया, फिक्स मतलब गवर्नमेंट फिक्स करती है एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल में डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी डिटरमाइन करती है। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर अफ कॉर्स हम एक्सचेंज रेट डिस्कस कर रहे हैं, तो दो टाइप के एक्सचेंज रेट पढ़े हमने, फिक्स एक्सचेंज रेट, द सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट ठीक है, हमने पढ़ लिया एक्सचेंज रेट फिक्स होता है या फ्लेक्सिबल होता है। अब एक कंट्री में कौन सी पॉलिसीज हम यूज कर सकते हैं। मान लो कोई भी एक्सचेंज रेट है और मान लो कोई भी डेविएशन आए तो गवर्नमेंट या आरबीआई पॉलिसीज यूज करती है ना उस चीज को स्टेबल करने के लिए। तो वो कौन सी है? फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिक्स में भी हम ऐसे कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी यूज करें या मॉनेटरी करें। इन द सेम वे चाहे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कोई कंट्री फॉलो कर रही है तो वो भी अपने आप को सही कर सकती है अपने बीओपी अकाउंट को बाय यूजिंग फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो मेन आते हैं यूजीसी नेट में कहीं भी देखे गए हैं, मैंने एक ही टाइप के देखे हैं, मोस्टली ये पूछा जाता है कि एक कंट्री है, वो कहेंगे कंट्री है स्मॉल है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, तो उसमें कौन सी पॉलिसी कहाँ पर इफेक्टिव होती है। यानी कि अगर कोई कंट्री फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करती है, वो मेंशन कर देंगे कि कंट्री इज फॉलोइंग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड देयर इज परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, तो इनमें से कौन सी पॉलिसी वहां पे इफेक्टिव होगी और कौन सी इनइफेक्टिव होगी। इन द सेम वे अगर कोई कंट्री फ्लेक्सिबल फॉलो कर रही है तो क्या होगी।
अब ये ग्राफिकल तो मैं आपको फर्दर स्लाइड्स में समझाऊंगी, लेकिन मैंने कि हम पूरा डायग्राम तो बना नहीं सकते, तो एक होता है ना कि माइंड सेट कर लेना, माइंड में एक याद कर लेना कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप याद कर सकते हैं कि मुंडल फ्लेमिंग ने सबसे पहले आप ये पहले कोई पूछता है कि कौन सी एक्सचेंज रेट्स हैं, तो हम क्या कहते हैं, पहले कहते हैं हम फिक्स एक्सचेंज रेट, फिर हम कहते हैं फ्लेक्सिबल, कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट या आरबीआई यूज करती है, तो हम सबसे पहले कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, फिर कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी को वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन मैंने एज अ क्या है कि पहले फिक्स्ड आती है फिर फ्लेक्सिबल आती है, पहले फिस्कल आती है फिर मॉनेटरी आती है। ये यूं नहीं है कि मतलब पहले फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेगी फिर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, ऐसे नहीं है, मतलब नाम के लिए बोल रखा है कि अगर किसी को लेबल करना हो तो मैं कहूंगी पहली फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर कोई पॉलिसी के बारे में बताए तो मेरे मुंह से सबसे पहले निकलता पहला फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस वे में तो आप ये याद कर सकते हो कि अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है, पहले फिक्स एक्सचेंज रेट आता है, फिर हमें पता है मैं पहले फिस्कल पॉलिसी लिखती हूँ, तो इस केस में इफेक्टिव भी फिस्कल पॉलिसी होगी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव। और जो बच गया मतलब फिक्स के बाद फ्लेक्सिबल आता है सेकेंड नंबर पे, और यहाँ पे फिस्कल और मॉनेटरी सेकेंड नंबर पे मॉनेटरी आता है, तो फ्लेक्सिबल के केस में ये इनइफेक्टिव हो जाएगी फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट पेपर में ये पूछा जाता है इफेक्टिव कौन सी है। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि मुंडल फ्लेमिंग में फिक्स एक्सचेंज रेट में फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। अब आपको क्वेश्चन में ये दे देते हैं सीधा कि एक कंट्री फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो विच पॉलिसी इज इफेक्टिव, बस सीधा ये पूछते हैं। अब आप उसके लिए डायग्राम बनाओगे, वो लेंदी प्रोसीजर हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये अपना माइंडसेट कर रखा है कि फ्लेक्सिबल मतलब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मतलब फिस्कल और मॉनेटरी में सेकंड नंबर कौन सा आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये इफेक्टिव है। ये मैंने यू इन जनरली बता दिया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसे माइंडसेट के लिए कि पेपर में टाइम कम होता है, हमें ये चीजें याद करनी पड़ती है इसलिए। नाउ मूविंग ऑन की एक्सप्लेनेशन कि फिक्स एक्सचेंज रेट में ये कैसे इफेक्टिव होता है, ये कैसे इनइफेक्टिव होता है, यही चारों हम नेक्स्ट 4 स्लाइड्स में कवर करेंगे कि कैसे इफेक्टिव है कैसे इनइफेक्टिव है। ओके, यस, नाउ वी विल डिस्कस फिस्कल पॉलिसी, ओपन इकोनॉमी विद फिक्स एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। नाउ यू ऑल शुड नो कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी इज गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि अगर गवर्नमेंट या तो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज डिक्रीज कर रही है या टैक्स रेट को चेंज कर रही है, तो वो सारा कुछ आता है आपका फिस्कल पॉलिसी में। ये डायग्राम दे रखा है फिस्कल पॉलिसी को शो करने के लिए, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अज्यूम करो कि इकोनॉमी आपकी करंटली रिसेशन में है, तो अब रिसेशन को ओवरकम करने के लिए, उससे निकलने के लिए गवर्नमेंट क्या यूज करेगी, फिस्कल पॉलिसी। कौन सी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाती है या टैक्सेस को कम करती है जिससे मनी सप्लाई तुम्हारा इंक्रीज हो। ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शनरी जब यूज करते हैं, जब इकोनॉमी बूम पे चल रही हो तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अपने कम कर देगी, टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी टू डिक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर रिसेशन में है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट विल यूज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब या तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएगी या टैक्सेस को कम करेगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी में चेंज करने से या जी कंपोनेंट चेंज होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है, जिसकी वजह से आईएएस कर्व शिफ्ट होता है। तो आईएएस टू आईएएस डैश किसकी वजह से हुआ, फिस्कल पॉलिसी की वजह से आईएएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। नाउ अब आप एक चीज देखोगे, पहले हम थे पॉइंट ए पे जहां पे आईएएस कर्व, एलएम कर्व और बीपी। मैंने क्या कहा था, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल किस चीज को
का रिलेशनशिप दिखाता है आईएस मतलब गुड्स मार्केट, एलएम मतलब मनी मार्केट एंड एक्सचेंज रेट को यानी कि बीपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है इसलिए मैंने इसे हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, आउटपुट है, आईएस एलएम ही है लेकिन उसका एक्सटेंशन है बिकॉज यहाँ पे एक बीपी लाइन एड ऑन हो गई है। तो अब इन्होंने कहा हम पॉइंट ए पे थे, जैसे ही रिसेशन में थे गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी यूज करी एक्सपेंशनरी जिसकी वजह से आईएस को राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। नाउ वी आर ऑन पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम आ गए वाई वन पे जो पहले वाई पे थे, और यहाँ पर पहले अगर हम आर पे थे तो हम आ गए हैं आर वन पे। तो अब इससे क्या चीज हुई, दो चीज हुई, हमारी इनकम बढ़ गई, सेकेंडली हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। वाई वन पे आ गए यानी कि इनकम बढ़ गई, आर वन पे आ गए यानी कि इंटरेस्ट रेट आर से आर वन हो गया। अब इनकम बढ़ने से क्या होता है, इनकम बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ गई तो वो इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो इंपोर्ट्स इंक्रीजेस। इंपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, हमारा कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा होगा, इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा। इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं, फॉरेन के गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज जब हम परचेज करते हैं तो क्या करंट अकाउंट शो करता है और करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में आ गया क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया एक्सपोर्ट नहीं। दूसरी तरफ हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट और वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट सेम है, लेकिन मान लो किसी भी रीजन से हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट होगा, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना, तो इससे क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा, सारे बाहर के जो इन्वेस्टर्स है फॉरेन के वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इसकी वजह से जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर की करेंसी हमारे डोमेस्टिक करेंसी में आएगी। और जैसे भी हमने कहा था, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कंपैरिजन देखते हैं तो ज़्यादा वेटेज कैपिटल अकाउंट की जाती है क्योंकि ये एक कंट्री के एसेट और लाइबिलिटीज पे इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को देखें कि किसका ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट का सरप्लस आपका ज़्यादा होगा डेफिसिट से। जब सरप्लस ज़्यादा है तो हमारा बीओपी सरप्लस होगा क्योंकि बीओपी हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को ही शो करता है। तो जब सरप्लस ज़्यादा है तो हमारा सरप्लस होगा, बीओपी सरप्लस यानी कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में फॉरेन की जो मनी है वो ज़्यादा उनका इनफ्लो हो रहा है, यानी कि मनी सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मनी सप्लाई ज़्यादा का मतलब एलएम इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब एलएम कर्व शिफ्ट्स एलएम डैश, जो कि मैंने ये दिखाया आपको। पहले हम ए पे थे, फिर एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी से हम बी पे गए, बी पे हमने देखा इनकम बढ़ गई एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। जब इनकम बढ़ गई तो हमने इम्पोर्ट ज़्यादा करे और करंट अकाउंट डेफिसिट में हो गया, वहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ा कैपिटल इनफ्लो हुआ कैपिटल अकाउंट का सरप्लस हो गया। इन दोनों में कंपेयर किया तो हमें पता है कैपिटल अकाउंट का ज़्यादा वेटेज होता है, तो इसमें जो इफेक्ट पड़ेगा वही हमारा बी ओ पी पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो सरप्लस में आ गया। बाहर की करेंसी यहाँ पे ज़्यादा फ्लो हो रही है यानी कि हमारी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से हमारा एल एम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि नाउ वी आर फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। अब सी पॉइंट में आने के बाद आउटपुट और इस पे क्या हुआ, न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन एट पॉइंट दिस, यानी कि वाई स्टार पे हम आ गए और इंटरेस्ट रेट हमारा मार्केट जो वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट है उसके बराबर ही रहेगा। तो इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, हमने शुरू करा था वाई पे, फिनिश हमने वाई डैश पे, यानी कि आउटपुट तो हमारा इंक्रीज हुआ है पूरा बट इंटरेस्ट रेट सेम ही है, यानी कि बीपी में अगर हम देखें तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी इज कंप्लीटली इफेक्टिव क्योंकि
इंटरेस्ट रेट उतना ही रहा, लेकिन हमारा ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसलिए हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर फुल्ली इफेक्टिव होती है। यहाँ पे यही पूछा जाता है कि कौन सी पॉलिसी फुल्ली इफेक्टिव होती है या किस एक्सचेंज रेट के अंदर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है। तो यही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। यही सेम चीजें हैं चारों के लिए, तो हम उसको थोड़ी सी और स्पीड में करेंगे। सो मूविंग ऑन, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी। वही फिस्कल पॉलिसी है जो हमने लास्ट स्लाइड में करी, ओपन इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पर अब ये चेंज आया है कि अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। ये डायग्राम है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे हुआ। वही सिमिलरली पहले अज्यूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है, रिसेशन पे। रिसेशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट कौन सी यूज करेगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी। इसकी वजह से क्या होगा, आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा सेम, यानी कि पहले हम ए पॉइंट पे थे, आईएस ये था, एलएम ये था, बीपी लाइन हमारी ये थी, इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो हमारा ओरिजिनल पॉइंट था। अब आईएस राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो हम पॉइंट बी पे आ गए, आईएस डैश। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी हमारा ज्यादा हुआ, आउटपुट भी हमारा ज्यादा हुआ, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। फर्स्ट आएगा आउटपुट और वाई इंक्रीज, सेकेंड आएगा हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। आउटपुट बढ़ने से क्या होगा, वही हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, वही सेम चीज़ है। इम्पोर्ट ज़्यादा से करंट अकाउंट डेफिसिट। इन द सेम वे इंटरेस्ट रेट अगर हमारा डोमेस्टिक का ज़्यादा है वर्ल्ड से, तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, तो कैपिटल का इनफ्लो होगा। इनफ्लो मतलब हमारा कैपिटल अकाउंट का सरप्लस, और वही चीज़ है, सरप्लस हमारा ज़्यादा माना जाएगा डेफिसिट से, क्योंकि थोड़ा सा वेटेज जो है कैपिटल अकाउंट का वो ज़्यादा होता है। नाउ इसका मतलब बीओपी हमारा है सरप्लस में। अब बीओपी सरप्लस है, तो अब यहाँ पर ये चेंज आया, हमारा बीओपी है सरप्लस में, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लोग हमारी करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, हमें मेंटेन नहीं करना सेम। अब डिमांड और सप्लाई के ऊपर बात आती है कि करेंसी का क्या होगा। अब जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। अब ये मान लो यहाँ पे बीओपी सरप्लस का मतलब है कि हमारी करेंसी, मान लो मैं, हमारी कंट्री इंडिया है, बाहर फॉरेन कोई भी कंट्री ले लेते हैं, अगर वो वाली कंट्री हमारे रुपीस की डिमांड बहुत ज़्यादा कर देगी, तो मीन्स हमें ये दिख रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपीस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारी वैल्यू बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, अपनी करेंसी को एप्रिशिएट कर देंगे। यानी कि पहले अगर यूएस डॉलर $1 इज इक्वल टू ₹80 था, तो हमने एप्रिशिएट करने का मतलब है अब $1 60 के इक्वल। मतलब जहां पहले एक इंडिविजुअल को ₹80 दे के $1 मिलता था, अब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो अब ₹60 दे के ₹60 में ही हमें वही डॉलर मिलेगा। यानी कि दूसरी कंट्री की करेंसी यूएस डॉलर डिप्रिशिएट हो गई एंड हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई। अब जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, तो मतलब फॉरेन गुड्स तो हमारे लिए चीप हो गए और हमारे जो गुड्स हैं वो महंगे हो गए फॉरनर्स के लिए। तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है और हमारे लिए फॉरेन गुड्स चीपर होंगे, तो हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो वो यहाँ दिखाते हैं, जब इंपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स हमारा डिक्रीज हो गया। नेट एक्सपोर्ट्स किसका कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड का, और एग्रीगेट डिमांड चेंज होने से क्या चेंज होता है, आईएस कर्व। तो वही दिखा रखा है, एडी डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से आईएस कर्व फिर से आईएस डैश से जहाँ पे आई थी ये फिर से आईएस कर्व पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि फिर से हम बी पॉइंट से ए पे चले जाएंगे। तो पहले राइटवर्ड शिफ्ट होगा, फिर उतना ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो एंड रिजल्ट क्या आया कि हमने ए से शुरू करा, हम बी पे गए,
बी में जाने से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सब कुछ हो गया, बीओपी सरप्लस आया जैसे फिक्स में आया था, यहाँ पर ये चेंज हुआ, सरप्लस आने के बाद हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी और एप्रिशिएट से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए और इम्पोर्ट बढ़ गए, जिसकी वजह से आईएस फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो गया और इन द एंड हम यहाँ पर वाई और आर पे पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, यानी कि नो चेंज इन आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट। दिस मीन्स फिस्कल पॉलिसी इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज कंप्लीटली इन इफेक्टिव। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। अभी तक हमने बात करी थी फिस्कल पॉलिसी, जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को यूज कर रही है, अब वही है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ओपन इकोनॉमी, ये डायग्राम है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं वही, मान लो इकोनॉमी है हमारी रिसेशन में, इसको बाहर निकालने के लिए अब गवर्नमेंट का रोल नहीं आएगा क्योंकि वो फिस्कल पॉलिसीज आ चुकी है। अब बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई क्या करेगी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, सीआरआर कम कर दिया, एसएलआर कम कर दिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट कम कर दिया। क्यों कम करा? कम करने से क्या होगा कि आगे जो बैंक्स है वो भी अपने जो लोन देते हैं उन पे इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। इंटरेस्ट रेट जब कम करेंगे तो जनरल जो पब्लिक है वो ज्यादा लोन लेगी और थोड़ा सा ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, तो उससे हम रिसेशन से निकल जाएंगे। तो रिसेशन के टाइम पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज हुई और मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज होने से आईएस नहीं एलएम शिफ्ट होता है, तो एलएम कर्व शिफ्ट हो गया फ्रॉम लेफ्ट राइटवर्ड, फ्रॉम एलएम टू एलएम डैश। तो वही दिखा दिया, एलएम राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ, अब हम पॉइंट ए से आ गए पॉइंट बी पे। ए पॉइंट पे हमारा आर था, बी पॉइंट हमारा इंटरेस्ट रेट अब कम हो गया, और आउटपुट की बात करें तो वो हमारा वाई से वाई स्टार पे इंक्रीज हो गया, तो आउटपुट हमारा इंक्रीज हुआ है। सेकेंडली इंटरेस्ट रेट हमारा कम हुआ है, फॉरन से कम हो गया। इनकम इंक्रीज होने से इनफ्लो क्या करेंगे, हम इंपोर्ट्स इंक्रीज कर देंगे। इंपोर्ट इंक्रीज का मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट, हमने बाहर के गुड्स ज्यादा मंगवाने लग गए हम, तो करंट अकाउंट हमारे डेफिसिट में आ गया। ऑन द अदर हैंड जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो कोई बाहर की कंट्री हमें थोड़ी इन्वेस्ट करेगी, हम करेंगे बल्कि जहाँ पे बाहर हमें हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आउटफ्लो बढ़ जाएगा इसमें, इनफ्लो नहीं होगा। इनफ्लो जब होता है जब हमारी करेंसी हमारी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कम हो रहा है। मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में हमें मान लो 5% मिल रहा है और हमारी कंट्री में 2% है, तो यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, हम भी बल्कि बाहर करने लग जाएंगे, तो इसकी वजह से हमारा जो कैपिटल है वो उसका आउटफ्लो हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, इसकी वजह से कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है। क्यों? क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। अब ये आ गए दोनों डेफिसिट, अब इसमें वेटेज किसकी ज्यादा होती है, कैपिटल वाले की। तो ये अगर इस ये डेफिसिट में है कैपिटल अकाउंट, तो हमारा पीओपी भी डेफिसिट में है। डेफिसिट का मतलब मनी सप्लाई अब कम है यहाँ पे, तो मनी सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, एलएम शिफ्ट हो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया एलएम, इसकी वजह से क्या हुआ, फिर हम अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस पहुंच गए। हम ए से बी पे आए, बी से वापस ए पे पहुंच गए, यानी कि हमारा इंटरेस्ट रेट और आउटपुट उतना ही रहा जो पहले स्टार्टिंग में था, इसलिए हम कह रहे हैं कंप्लीटली इन इफेक्टिव। मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स एक्सचेंज रेट में कंप्लीटली इन इफेक्टिव हो जाती है। यस, नाउ वी विल डू मॉनेटरी पॉलिसी। ओपन इकोनॉमी है लेकिन वहाँ पे फिक्स्ड की जगह फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया, ये डायग्राम है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमी हमारी रिसेशन में है, आरबीआई विल यूज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और सीआरआर एसएलआर सब कुछ कम कर देंगे, तो इसकी वजह से एलएम हमारा एलएम डैश यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ए से हम बी पे चले जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है, इससे एलएम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा और सेकेंडली इंटरेस्ट रेट तुम्हारा कम हो जाएगा। ए से बी पे जाएंगे तो आउटपुट हमारा बढ़ रहा है, ये मैं दिखा सकती हूँ लाइक दिस। वाई थे, अब हम आ गए हैं
y 1 पे, और इंटरेस्ट रेट हमारा पहले r था, अब आ गए हम r 1 पे। अब इससे क्या हुआ, इनकम बढ़ गई तो हमने इंपोर्ट्स बढ़ा दिए, इंपोर्ट्स बढ़ा दिए वही करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। अब इंटरेस्ट रेट यहाँ का डोमेस्टिक कम है तो कैपिटल का आउटफ्लो होगा, लोग बाहर इन्वेस्ट करेंगे, बाहर इन्वेस्ट का मतलब कैपिटल अकाउंट भी डेफिसिट में हो गया। और जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं कैपिटल का इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम आ गए बीओपी डेफिसिट में। बट यहाँ पर बात आ रही है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब अब एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो सकता है, अब हम डेफिसिट में हैं, हमें लॉस हो रहा है, तो हम अपनी करेंसी को, हमारी करेंसी की डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो हमारी करेंसी क्या होगी, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। पहले अगर $1.80 का था तो अब $1 100 रुपीज का हो जाएगा, मतलब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा फॉर दैट $1, हमारी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट। अप्रिशिएट हमारी जब होती है जब हमारी करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, और डेप्रिशिएट जब होती है जब हमारी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड है ही नहीं उसकी, कम है कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम डेफिसिट में हैं, क्यों, क्योंकि हमारी करेंसी की कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, हम सप्लाई सप्लाई करे जा रहे हैं, डिमांड है ही नहीं मार्केट में, तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब अब हमें फॉरेन गुड्स बहुत एक्सपेंसिव लगने लगेंगे, और जब एक्सपेंसिव लगेंगे तो हम इम्पोर्ट्स को कम कर देंगे और एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि बाहर वाली फॉरेन कंट्रीज़ को हमारी करेंसी या हमारे गुड्स बहुत चीपर लगते हैं और हमें बाहर के गुड्स बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, तो हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इम्पोर्ट कम हो जाएंगे और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि फॉरनर्स हमारे गुड्स को खरीद रहे हैं। और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इम्पोर्ट से, तो हमारा होता है नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, मैन की एडी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, जिसकी वजह से आईएस भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आईएस टू आईएस डैश। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, अब हम बी से चले गए सी पे। पहले हम कहाँ पे थे, ए पे, फिर हम आए बी पे क्योंकि एलएम शिफ्ट हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, यहाँ पे आउटपुट बढ़ा, इन दोनों की वजह से हमें डेफिसिट आया, कैपिटल का डेफिसिट ज्यादा था, बीओपी डेफिसिट आया क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट था, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट होने के बाद नेट एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ गया, आईएस राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, नाउ न्यू इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पे क्या है, अब हम यहाँ पे आ गए, अब एंड रिजल्ट आया कि हम ए से शिफ्ट होके आ गए सी पे। अब आपको क्या दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट तो उतना ही रहा इंटरनेशनल का के इक्वल, बट आउटपुट में हमारा इंक्रीज हुआ है। ये क्या दिखाता है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली इफेक्टिव इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दैट्स इट। अगर आपको एक का होल प्रोसेस समझ आ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सारे में क्या हो रहा है, बस आपको एक का अच्छे से समझ आना चाहिए, एक का प्रोसेस वही हमारा पूरा सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखनी है कि हम कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहे हैं। अगर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल है तो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन होगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली चलेंगे कि सरप्लस है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, अदरवाइज कम हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट, एंड मैं इस पर और बेटर समझाने की कोशिश करूँगी, दिस इज़ माई फर्स्ट ट्राई, सो प्लीज़ कमेंट आपको कैसा लगा और कहाँ पर आपको दिक्कत महसूस हुई, क्या समझ नहीं आया, तो मैं उसको भी समझाने की कोशिश फिर से करूँगी। ओके, दैट्स इट, थैंक यू, बताना आपको कैसा लगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।